मैंने जैसे पहले भी बताया कि किसी भी आप फ्लैक्स में देखें, किसी भी कंपनी की कोई एड नहीं लगी हुई है। जितना भी खर्चा है भाई नफे सिंह जी अपनी जेब से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा जो कि हमने कहीं नहीं देखा जहां किसी से स्पॉन्सरशिप ना ली जाए। दूसरा, ये पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैंने कहीं भी जल्द नहीं नजर आई कि इन्होंने अपनी पार्टी के किसी भी आदमी को हाईलाइट किया हो या उसको सम्मानित किया हो। इन्होंने सिर्फ जो कुश्ती के पहलवान है पुराने, जिनको हमने नहीं देखा था, उनसे हमको मिलाया, उनको सम्मानित किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और भी बाकी भी जितना यहाँ इन्होंने हमारे बैठने का, खाने का, रहने का जो इंतजाम किया है, देश भर से जो पहलवान, टीम मैनेजर, कोच और प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी है, बहुत बढ़िया बेहतरीन इंतजाम किया है। इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। जय खेल, जय खिलाड़ी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। लेकिन आपका हरियाणा जिस काम के लिए जाना जाता है, एक बार जोर लगा के शर्मा जी ये ताली तो आपको बजानी चाहिए, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम करें तो करवा के फिर गाना करवा दो। हाँ, एक दलाल साहब थोड़ा सा कार्यक्रम को नोट करें। क्रॉस सेमीफाइनल की दो राउंड रह गई है, उसके बाद आप अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम का जैसा सिस्टम बना सकते हैं। हाँ, जैसा आप लोग आदेश करें उसी प्रकार से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। दो क्रॉस सेमीफाइनल रह गए हैं। ये लेफ्टिनेंट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, इस कुश्ती के बाद राजबाला एंड पार्टी का एक बहुत बढ़िया भजन होगा, उसके बाद अगली कुश्ती होगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पहलवान बीच में चले, ये 47वां राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप और हिमकेसरी टाइटल का जो दंगल चल रहा है, प्रतियोगिता चल रही है। ये ब्रिगेडियर शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह की याद में 16 तारीख से शुरू हुई थी। इसका उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल राज काजा ने किया था और समापन आज होने जा रहा है। हिंदुस्तान के बेहतरीन पहलवानों ने इसमें हिस्सा लिया है और ले रहे हैं चल एक लड़ाई। बहुत बढ़िया कुश्ती चल रही है, तालियां बजा करके उतरा पड़ा पहलवान का। बहुत अच्छी कुश्ती चल रही है, बहुत अच्छा परिवार। मनजीत गोयल तीन दोनों ही पहलवानों के दोनों ही पहलवानों के लिए 84 किलोग्राम बार बार का ये बड़ा ही रोचक मुकाबला आपके सामने। और इस कुश्ती के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे उत्तर भारत की गायिका राजबाला जी। बाहर गाड़ी खड़ी है मोहित पंजाब के दोनों पहलवान अपने आप को बार बार रखेंगे। राजबाला जी के सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद आपका बाउट होगा।
चार मिनट का समय जा चुका है, तीन तीन अंक दोनों ही पहलवानों के। आखिरी पॉइंट मंजीत गोवा का है, लाल जाएंगे जो पहलवान है। और ग्राम के बाद फिर से आमने सामने लाल जाने हुआ नीले जानकी में प्रदीप आई थी। पहले अभी जहाँ मास्टर सज्जन सिंह प्रधान सुब्रमण्यम धर्मशाला डॉक्टर सुफी पंडारा पहलवान सुरेंद्र सिंह छुड़ाने वाले भी स्टेज पर तस्वीर ला चुके हैं। हम यहाँ पहुँचने पर उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोनों ही पहलवानों के तीन तीन अंक है और ये पहलवान ध्यान से खुला हाथ नहीं मारना, ये फाउल है। अलग कराओ जी कुश्ती को कराइए। इतनी जनता आपकी कुश्ती इतनी अच्छी कुश्ती देखने के लिए उतावली है, कृपा करके अच्छी कुश्ती का प्रदर्शन करें। बहुत अच्छा मुकाबला आपके सामने। 84 किलोग्राम भार वर्ग का इस समय मनजीत कुआ लाल जानिए में प्रदीप आई टी बी पी नील जानिए में तीनों ही दोनों ही पहलवानों को तीन तीन अंक है। दर्शकों से अनुरोध फिर से जोरदार तालियां बजाएं दोनों ही पहलवानों के लिए। बड़ा ही रोचक मुकाबला 84 किलोग्राम भार वर्ग में आप देख रहे हैं। 47 राष्ट्रीय चैंपियनशिप भारतीय शैली की कुश्तियों का ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप आप देख रहे हैं। 84 किलोग्राम घूमते रहे और नमस्कार आए थे। और एक बात का ध्यान रखें, जो ये गायक की स्टेज के पास कुर्सियां हैं इनको सही ढंग से लगवाएं और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। और मंजीत को बराबर फट लगते प्रयास कर रहे हैं लेकिन यहाँ बेनिफिट उठाया प्रदीप आईटीबीपी ने, दो अंक लेने में कामयाब प्रदीप भाई। शांति से आराम से भाइयों को दूसरी जगह बैठने में सहयोग दें। आप स्टेज से पूरा शांत हो रहे हैं को स्टेज से थोड़ा सा दूसरे राउंड में आते के साथ लाए रखने में सहयोग दें। प्रदीप आईटीबीपी नीले रंग की जांगे के पहलवान भरत बना चुके हैं। दो मिनट का समय जा चुका है दूसरे राउंड में। 3-5 का स्कोर। लाल जांगे के पहलवान मंजीत गोवा के 3 अंक है। नीले जांगे में प्रदीप आईटीबीपी 5 अंक बनाकर के भरत बनाए हुए कुश्ती में। बहुत अच्छा दोनों ही पहलवानों द्वारा कुश्ती का प्रदर्शन आपके सामने। 84 किलोग्राम भार वर्ग में और ये ग्रिप और ये बहुत अच्छा प्रयास। बिलू का यहाँ एक्शन था, बिलू का एक्शन और एक अंक लेने में कामयाब प्रदीप आईटीबीपी। 3-6 का स्कोर।
तीन थे की भड़क के साथ कुश्ती में डटे हुए पड़ती आईटीबीपी और बराबर प्रयास कर रहे मंजीत गोवा कुश्ती में लौटने का प्रयास। तीन का समय जा चुका है। और दो अंकों तीन आठ की भड़क के साथ तीन आठ का स्कोर और बड़ी सजगता के साथ आईटीबीपी इस कुश्ती में डटे हुए हैं। जो पहलवान जीतेगा फाइनल में प्रवेश पाएगा और जो पहलवान हारेगा वो कांस्य पदक का हकदार रहेगा। बहुत अच्छे पहलवान रहे देश के रणवीर सिंह भैया हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हमारे बीच आए हैं। हम उनका अभिनंदन करते स्वागत करते हैं। और ये कहना पट लगा मंजीत गोवा ने अपने आप को बचाने का प्रयास का और पूरी कोशिश दोनों ही पहलवानों की लेकिन पट छुड़ाने में कामयाब प्रदीप आईटीबीपी दो अंक यहाँ और लेने में कामयाब और ये टेक्निकल सिक्योरिटी के आधार पर प्रदीप आईटीबीपी फाइनल में आगे हो गया। इसमें दिलुप प्रदीप आई की बिट्टी का पहलवान विधेयक है और अभी गाने वाले से प्रार्थना है कि अपना प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं आप।